हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मंजिंदर सिंह सिरसा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिरसा जी, स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। और फौरन इस पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी कि जो कल पूछताछ होने जा रही है उस पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये सब कुछ हो रहा है राजनीति से प्रेरित है, इसीलिए आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं आप। देखिए शरीन जी, वो जो आंकड़े उनका जवाब नहीं देते। जैसे अभी मनोज जी ने कहा, आज मैं आज अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही बात करता हूं। उन्होंने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि 14 में से 5 फोन मिल गए हैं, तो ये बात तो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है और वो रिपोर्ट सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की है, जिसकी जो रिपोर्ट की पढ़कर बता रहे थे वो सीबीआई की रिपोर्ट ही तो पढ़ रहे थे। हाँ, वो बातों को घुमाना उनको बड़ा जबरदस्त आता है, तो उन्होंने कह दिया देखिए देखिए 5 फोन तो मिल गए। तो हमारा उनसे यही कहना कि भाई जब 5 मिल गए तो बाकी 9 भी दे दीजिए। बोले जी हमारे तो कार्यकर्ताओं के पास है, वॉलंटियर्स के पास है, तो अच्छी बात है ना। ईएमआई नंबर आपके पास है, कार्यकर्ताओं का नाम आपके पास है, तो आप उनको डब्बे में डालकर ले जाइए, कल सीबीआई के पास जब जाएंगे तो हमें क्यों बता रहे, 9 फोन साथ लेके जाइएगा। दूसरी बात शरीन जी, जो एक बड़ा बेसिक सवाल है ना, इसमें कोई 2 + 2 = 4 इस फार्मूले में कोई गलत नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ और इसका कोई मुझे जवाब दे दे। देखिए, जब दिल्ली के अंदर सरकार ठेके चलाती थी, तो मैं आपको एक साल का बयान देता हूं 2020-21 का। तो 2020-21 में 7860 करोड़ रुपए की शराब बिकी, 7860 करोड़ रुपए, 7860 करोड़ की शराब बिकी, और उसके एवज में एक्साइज सरकार को मिली 3378 करोड़ रुपए। तो 3378 करोड़ जो एक्साइज मिली, अगले साल जब अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को शराब का काम मिल गया तो शराब तो बिकी 13560 करोड़ की, 13560 करोड़ रुपया, जो कि लगभग डबल होता है जो पिछले साल बिकी थी। अब इसमें प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, प्रॉफिट भी तो सरकार को डबल होना चाहिए था, नहीं, प्रॉफिट केवल सरकार को हुआ 312 करोड़ रुपए। अब कल्पना करके देखिए, जब 7860 करोड़ की शराब बिकती है तो सरकार को 3378 करोड़ रुपए रेवेन्यू आता है, लेकिन जब 13560 करोड़ रुपए की शराब अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त बेचते हैं तो सरकार को केवल 312 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो उनके पूंजीपति दोस्तों को कितने मिले, अब सोचिए पूंजीपतियों ने कितने कमाए, 1950 करोड़ रुपया तो केवल और केवल होलसेल में से कमाया, 350 करोड़ रुपए, और वो छोड़िए 1900 करोड़ रुपया। अब सरकार को क्या लाभ और लहानी हुई, सरकार को सीधा 3500 करोड़ रुपए का केवल और केवल होलसेल के आंकड़ों में नुकसान हुआ। अब पूछेंगे तो पता क्या कहेंगे, देखिए ये तो गवर्नर साहब ने कर दिया। अब आज दूसरी बात श्री जी, मैं एक बात आपको और कहूंगा, आपके लिए बड़ी जरूरी है जाननी है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो सारी बातें उन्होंने गलत कही जो आज से पहले नहीं कह रहे थे। आज उन्होंने कहा इसके खिलाफ सबूत ही नहीं है कुछ। मैं आपको याद कराऊं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हम इस जांच का सहयोग देना चाहते हैं, जो घपला हुआ है, जो स्कैम हुआ है, हम उन लोगों के पकड़वाना चाहते हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हम सबने भी, और उसके आधार पर ही हम ये बातचीत भी कर रहे थे। मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।